गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू सी नंबर्स पर्टिकुलरली एस्टिमेशन वैल्यूज ना एस्टिमेटेड रिलेटेड आना थ्योरी क्वेश्चंस पाक एग्जांपल वन कुछ एक्सरसाइज 2.1 फिफ्थ क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज रुपीस 32 और पेनोड रेट इना कुछ 32 रुपीस फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स अदपोल सिक्स पेन्स अंड एस्टिमेट टू इट्स नियरेस्ट 10 प्लेस फर्स्ट इना पड़ो सिक्स पेनोड रेट कैपिटे वैल्यू की एस्टिमेशन पड़ी कैपिटी ओकेवा नियरेस्ट 10 प्लेस कैपिटी बुक कुछ कॉस्ट ऑफ ए पेन कॉस्ट ऑफ ए पेन ओकेवा राइट पड़ी कॉस्ट ऑफ ए पेन रुपीस 32 अत कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स रुपीस 32 और पेनोड रेट पे इंटू सिक्स इंटू सिक्स इना सिक्स पेनोड रेट वो ओकेवा टू सिक्स आर 12 टू सिक्स आर 12 12 को टू 1 थ्री सिक्स आर 18 18 प्लस 1 19 सो दिस इज 192 रुपीस इतना इन आक्चुअल कास्ट आफ 6 पेन्स आक्चुअल कास्ट 192 रुपीस इधर हम एस्टिमेट पड़ सक एस्टिमेट टू नियरस्ट 10 प्लेस नियरस्टे 10 प्लेस अब 10 वो नियरस्टा वो पड़ सक अना पड़ो वन वो जीरो वन वो जीरो वन लेस देन 5 5 कुछ अब नम 10 प्लेस वैल्यू इनक्रीस आगे 10 प्लेस वैल्यू इनक्रीस आगे अब कुछ रेट पड़ी पड़ा अब रेट पड़ा ओकेवा इतना सो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6 सच पेन्सोड कॉस्ट ओकेवा एक्चुअल वैल्यू इतनी इना डिफरेंस इतना डिफरेंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पांग अरुण हैज रुपीस 47 अरुण कट एवलो रूपा 47 रुपीस राजा हैज 54 रुपीस राजा कट एवलो 54 रुपीस फाइंड द सम मोदी इना पड़ो रेक टोटल अमौंट आड पड़ी ओकेवा सम कैपिटे अंड एस्टिमेटेड टू इयर्स नियरस्ट 100 प्लेस नाम प्रीवियसा इना पड़ो नियरस्ट 10 प्लेस पाता नियरस्ट 100 प्लेस पाकपो ओकेवा आंसर पड़ा फर्स्ट कुछ वैल्यू रईट पड़ो अरुण हैस अरुण कटे अमौंट 47 रुपी राजा हैस 54 रुपी इत रे बुक इंब आक्चुअल सम कल सम समें सेवन प्लस 4 11 11 1 प्लस 4 5 5 प्लस 5 10 आक्चुअल अमौंट 101 रुपी आक्चुअल 101 रुपी नाम पड़ो प्वियसा नाम 10 नियरस्ट कैपिटा एस्टिमेट द अमौंट एस्टिमेट द अमौंट टू इयर्स नियरस्ट 100 प्लेस 100 प्लस की ईक्वल पड़ो अब नाम ये वन वन टेन जीरो वन टेन जीरो ओकेवा इंब ऐसा पड़ो वन पापो फाइव अबोवा लेस्तान पापो इंब पड़ो टेन पाकन टेन फाइव अंड अबोवा लेस देन फाइव पाकन इत लेन फाइव अब नाम पड़ो 100 प्लेस यदयुमें इनक्रीस पड़ा है अब रेट पड़ी वैंड सो रेट पड़ा कंड्रड्ड रुपी कहना नियरस्ट 10 प्लेस रेक एस्टिमेटेड अमौंट तौरम 100 रुपी ओकेवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देर आर 21 चॉकलेट बार्स इन ए पैकेट और पैकेट 21 चॉकलेट्स फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स इन 9 सच पैकेट्स अदपोल एतनी पैकेट 9 पैकेट और पैकेट एतनी 21 चॉकलेट्स अदपोल एतनी पैकेट 9 सच पैकेट अंड एस्टिमेटेड टू इयर्स नियरेस्ट 100 प्लेस नियरेस्ट 100 प्लेस ऐसे नम कूपिता नाम फर्स्ट इना पड़ो 9 पैकेट टोटल चॉकलेट्स फर्स्ट कैपिटो ओकेवा कैपिटे अना पड़ो एस्टिमेशन पड़ो एस्टिमेशन वो 100 ईक्वल पड़ा ओकेवा आंसर पड़ा फर्स्ट कुछ रईट पड़ा ओकेवा इन कुछ
number of chocolate bars in a packet. மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கு? 21 இருக்கு. இது நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் எத்தனை பாக்கெட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் பார்ஸ் இன் 9 சச் பாக்கெட்ஸ். எத்தனை கண்டுபிடிக்கணும்? நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் பார்ஸ் இன் 9 சச் பாக்கெட்ஸ். அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்? 9 மல்டிபிளேஷன் பண்ணோம். 9 மல்டிபிளேஷன் பண்ணால் 9 பேக்கெட்லேயும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சாக்லேட் பார்ஸ் உங்களுக்கு வருது. ஓகேவா? 19 ஆர் 9, 29 ஆர் 18, 189 சாக்லேட் பார்ஸ் ஆர் தேர். ஓகேவா? 9 பேக்கெட்டில் இருக்குது. ஓகே, இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதுதான் என்னது? நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ். இது வந்து என்னது? நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ். ஓகே, 189. ஓகே, ஸோ இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணோம்? எஸ்டிமேட்டட் டு நியரஸ்ட் 100 பிளேஸ் கண்டுபிடிக்கும். அப்போது 10 போட்டுங்க, 10 போட்டுங்க. ஏன் நியரஸ்ட்டாக 100 பிளேஸ் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க? இப்போ நம்ம அப்போ என்ன பேசுனோம்? 10th பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் 5 அண்ட் அபோவா, இல்லை லெஸ் தேன் 5 பார்க்கணும். 5 விட அபோவாக இருக்குது. 8 என்னது? 5 அபோவ். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? 1 வேல்யூ 100 பிளேஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். 100 பிளேஸில் ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இப்போ என்ன ஆகும்? 1 ஆட் பண்ணால் 2 ஆகிடும். ஸோ 200 தான் என்னது? சாக்லேட்ஸ். திஸ் இஸ் த எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ. இது வந்து என்னது? எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ. ஓகேவா? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லாஸ்ட் கொஷன், 8th கொஷன். 132 பீனட் கேண்டீஸ் ஆர் ஷேர்டு ஈக்குவலி வித் 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸு. 130 வந்து எத்தனை பேர் கொடுத்துறாங்க? 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ஷேர்ஸ் ஃபார் 1 ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் டு த நியரஸ்ட் 10th பிளேஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், அது நியரஸ்ட் 10th பிளேஸுக்கு எஸ்டிமேட்டட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? கொஸ்டின் போகலாமா? கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம போர்டை ரைட் பண்ணிக்கோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீனட் வந்து எவ்வளோ? 132. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீனட் 132. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஷேர் ஃபார் 1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒருத்தருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷேர் எவ்வளோனாக்கா, என்ன பண்ணோம்? டிவைட் பண்ணோம். 132 டிவைடட் பை 12 ஈக்குவல் டு என்னது? 11 12 சார் 132. 11 12 சார் 132. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் பீரியட். ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் பீரியட் எவ்வளோ? 11. ஓகேவா? இது என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? எஸ்டிமேட்டட் டு த நியரஸ்ட் 10th பிளேஸ். எஸ்டிமேட்டட் பண்ணால் நியரஸ்ட் 10th பிளேஸுக்கு பண்ணோம். அப்போது 1th பிளேஸில் இருக்கிறது என்னாகும்? 0 ஆகிடும். 1th இருக்கிறது என்னது? 5 லெஸ் தானே இருக்கா? இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? 10th வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாது. 10th வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாது, அப்படியே கொண்டாது ரைட் பண்ணிக்கோ. This is the estimated number of peanut. Estimated number of peanut. பண்ணிக்கலாம். எல்லாருமே புரிஞ்சுதான். தேங்க்யூ.